स्वास्थ्य विभाग में ग्रामीण स्तर पर बेहतर कार्य करने के साथ लोगों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिए हमीरपुर जिला की नव नियुक्त आशा वर्करों के लिए स्वास्थ्य परिवार विभाग के द्वारा 8 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमीरपुर के सर्वहित सुधार भवन में हमीरपुर के 6 खंडों की नव नियुक्त 22 आशा वर्करों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर के दौरान आशा वर्करों को कोरोना महामारी से बचाव के अलावा प्रतिरक्षण, टीकाकरण, गर्भवती माता स्वास्थ्य जांच इत्यादि के लिए प्रोजेक्टर के माध्यम से बताया जा रहा है। इस अवसर पर CMO डॉक्टर अर्चना सोनी के अलावा जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सतीश शुक्ला भी मौजूद रहे। जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सतीश शुक्ला ने बताया कि आशा वर्करों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि आशा वर्कर फील्ड में जाकर लोगों को अपनी सेवाएं दे सके। उन्होंने बताया कि COVID-19 में भी आशा वर्करों ने बहुत बढ़िया काम किया है और अब आगामी दिनों में भी नव नियुक्त आशा वर्करों से सहयोग की उम्मीद है। सतीश शुक्ला ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए भी नव नियुक्त आशा वर्करों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर आशा वर्कर बीमारी से बचाव एहतियात के लिए लोगों को जागरूक कर सके। हमें एक तो COVID-19 का ये टाइम है और दूसरा बहुत से ऐसे काम हैं जो आज आशा एक बैकबोन बन के उभरी है और उनके बिना स्वास्थ्य विभाग में तालमेल और कोऑर्डिनेशन और प्रोग्रामों को जमीन तक ले जाने में बहुत मुश्किल आ रही थी। तो निस्संदेह इनको जो प्रशिक्षण 8 दिन का ये ट्रेनिंग है तो 8 दिन में हमारे ये चरणबद्ध तरीके से ये ट्रेनिंग होगी। इसमें चार्ट प्रेजेंटेशन होगी, पावर पॉइंट होगा, वीडियो और ऑडियो से इनको हम ट्रेन करेंगे और कुछ गेम्स हैं तो उसके माध्यम से ये चीजें हम इनको प्रशिक्षण, हमारा पूरा प्रयास होता है कि इनको इनके अंदर स्किल्स भरना। बेसिकली बात यह है कि जो काम इन्होंने करने हैं वो उनको ऐसे तरीके से इनके अंदर एक स्किल लानी है कि कैसे बच्चे का तापमान लेना है, कैसे गर्भवती माता के खतरों का पता लगाना है, कैसे उनकी वजन वृद्धि नापनी है, वो सारी चीजें इनको सिखाएंगे और उसके बाद अंत में क्लोजिंग में इनका एग्जाम, उसमें पेपर भी होता है, उस रैंकिंग के हिसाब से फिर इनके आकलन किया जाता है। तो अपनी तरफ से ये 8 दिन का जो प्रशिक्षण है इसमें बीच बीच में हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं CMO मैडम है वो भी आके बीच में जो भी जिला में स्वास्थ्य के कार्यक्रम है उनके बारे में और जो दिशा निर्देश है कि इन्होंने आगे चल के अब कैसे कार्य करने हैं। और इससे सबसे बड़ा फायदा कि मातृ मृत्यु शिशु दर को हम बहुत कम कर पाएंगे और जितने भी सरकार के और स्वास्थ्य विभाग के जनहित के कार्यक्रम हैं उनको लोगों को मैक्सिमम लाभ दिला पाएंगे। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही आशा वर्करों ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बढ़िया प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। आशा वर्करों ने बताया कि 8 दिनों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों के अलावा कोरोना बीमारी से बचाव के बारे में बताया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में गांव में किस तरह से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देना है इस बारे में भी जानकारी दी जा रही है। और हम यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रावधान किया गया, हर किसी चीज की सुविधा यहाँ पे। और हम जब से आए हैं हमारे लिए यहाँ पे हमें हर तरह की जानकारी दी जा रही है क्योंकि हम आशा है तो हमें यहाँ पे गर्भवती स्त्रियों, जच्चा बच्चा, उन सब के किस तरह से देखभाल करनी है, किस तरह से उनका ध्यान रखना है, कौन कौन से तरीके उन्हें बताने हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हर चीज़ के बारे में हमें जानकारी दी जा रही है। और हमें यहाँ पे ये भी बताया जाए कैसे नवजात शिशुओं की देखभाल करनी है, किस तरह से उन्हें घर पे उनकी देखभाल करनी है और किस जब बच्चा थोड़ा मतलब 6 महीने तक केवल माँ का ही दूध पिलाए, उसके बाद जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है उसके बाद बच्चे को हर चीज़ खाने के लिए देनी है जो मतलब जिसमें आहार नियुक्त हो, अनुपूरक आहार हो, मतलब स्वच्छता का कितना ध्यान रखना है, बार बार हैंड वॉश करनी है और कोरोना के बारे में हम लोगों को जागरूक करने को बताया जा रहा है कि किस तरह से लोगों को जागरूक करना है, मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार साबुन से धोएं और स्वच्छता का ध्यान रखें। उन्होंने हमें आशा के बारे में बताया और उनके क्या क्या कार्य हैं बहुत अच्छे तरीके से,
और हम यहाँ पे बहुत अच्छे से सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और हमें आशाओं के बारे में जो सारी आशाएं आई हैं आशाओं को बीमारियों के बारे में, बच्चों के बारे में, गर्भवती महिलाओं के बारे में बताया जा रहा है, बच्चों छोटे छोटे नवजात शिशु और कोरोना के बारे में कैसे हैंड वॉश करना है और मास्क के बारे में और उचित दूरी बनाए रखें, इन सब बीमारियों के बारे में हमें बताया जा रहा है।